बदल गई टीम इंडिया की प्लेइंग 11, हो गए दो दो बड़े बदलाव। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप सहगल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत जो है वो 9 फरवरी से नागपुर के मैदान पर होगी और इस सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11, ये सभी भारतीय क्रिकेट फैंस जो हैं वो जानना चाहते हैं। लेकिन अब एक दिग्गज खिलाड़ी ने टीम इंडिया की अपनी प्लेइंग 11 चुनी है और उसने उसमें दो दो बड़े बदलाव कर दिए हैं, दो दो धांसू खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आखिर कौन है ये दिग्गज जिसने अपनी प्लेइंग 11 चुनी है और कौन कौन से दो खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, पूरी डिटेल में और तफसील से आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले कर लीजिए एक छोटा सा काम। काम आपको क्या करना है, आपको स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना है ताकि खेल जगत की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे तेज और सबसे पहले मिल सके। तो हम बात कर रहे थे बदल गई टीम इंडिया की प्लेइंग 11, हो गए दो दो बड़े बदलाव। दरअसल इस टेस्ट सीरीज के शुरू होने से पहले भारतीय क्रिकेट फैंस के सामने कई सारे सवाल हैं, जैसे कि रोहित शर्मा के साथ कौन करेगा पारी की शुरुआत, क्योंकि टीम इंडिया के पास दो ऑप्शन है, केएल राहुल और शुभमन गिल का। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि श्रेयस अय्यर जो हैं वो इस सीरीज में टीम इंडिया के पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे इंजरी की वजह से, तो ऐसे में कौन लेगा श्रेयस अय्यर की जगह, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक और सवाल है जो भारतीय क्रिकेट फैंस के मन में है और वो सवाल ये है कि ऋषभ पंत की जगह प्लेइंग 11 में कौन शामिल होगा, क्या ईशान किशन या फिर केएस भरत। इसके अलावा एक और सवाल है और वो सवाल ये है कि चार चार क्वालिटी स्पिनर्स में से टीम इंडिया कौन कौन से स्पिनर्स को प्लेइंग 11 में शामिल करेगी। और इन सभी सवालों का जवाब जो है वो टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर रहे वसीम जाफर ने दे दिया है। दरअसल वसीम जाफर ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच की अपनी प्लेइंग 11 चुनी है और उन्होंने इस प्लेइंग 11 से दो दो बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसमें सबसे बड़े खिलाड़ी जो हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो है सूर्य कुमार यादव। जी हां, वसीम जाफर ने सूर्य कुमार यादव जैसे धांसू खिलाड़ी को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे खिलाड़ी की तो दूसरे खिलाड़ी हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने भारतीय पिचेस पर शानदार गेंदबाजी की है और टीम इंडिया को कई मुकाबलों में अहम जीत दिलाई है, लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच की अपनी प्लेइंग 11 से वसीम जाफर ने अक्षर पटेल को बाहर कर दिया है। चलिए आपको दिखाते हैं कि वसीम जाफर ने जो पहले टेस्ट मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 चुनी है उसमें उन्होंने किन किन खिलाड़ियों को मौका दिया है, उसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि आखिर इन खिलाड़ियों को उन्होंने क्यों चुना है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वसीम जाफर ने ओपनिंग जोड़ी के लिए रोहित शर्मा और केएल राहुल की जोड़ी को चुना है। इसके बाद तीसरे नंबर के लिए उन्होंने चेतेश्वर पुजारा को चुना है, तो चौथे नंबर पर जाहिर तौर पर उन्होंने विराट कोहली को पिक किया है। पांचवें नंबर के लिए उन्होंने इन फॉर्म शुभमन गिल को सूर्य कुमार यादव की जगह पर तरजीह दी है। उन्होंने कहा है कि शुभमन गिल जो है वो शानदार फॉर्म में है, तो ऐसे में गिल जो है वो मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें तो इसके बाद अगर हम देखें तो केएस भरत को उन्होंने विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर चुना है। इसका मतलब साफ है कि ईशान किशन को उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में नहीं लिया है। इसके अलावा स्पिन गेंदबाजों की बात करें तो रविंद्र जडेजा को यहां पर बतौर ऑलराउंडर पिक किया है। रविचंद्रन अश्विन को भी वसीम जाफर ने अपनी इस प्लेइंग 11 में शामिल किया है। इसके अलावा उन्होंने रिस्ट स्पिनर होने की वजह से कुलदीप यादव को अपनी प्लेइंग 11 में चुना है और अक्षर पटेल को इस प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके अलावा उन्होंने तेज गेंदबाजों में मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को पिक किया है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से वसीम जाफर ने अपनी पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 चुनी और उन्होंने सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसलिए हम ये कह रहे थे कि बदल गई टीम इंडिया की प्लेइंग 11, दो दो बड़े खिलाड़ी हो गए बाहर। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसने पहले टेस्ट मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 चुनी है और कौन से हैं वो दो खिलाड़ी जो पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 से बाहर हो गए हैं। वसीम जाफर ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है पहले टेस्ट मैच के लिए कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए ताकि खेल जगत की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे तेज और सबसे पहले मिल सके। तो अपने दोस्त प्रदीप सहगल को दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।